हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग सोल पे। मैं हूं नितेश और मैं फिर से एक लेके आ गया हूं एक नई वेब सीरीज़ की वीडियो, एक नया ट्रेलर जिस पे मैं रिएक्शन देने वाला हूं। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग बिल्कुल नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हमेशा नई नई वीडियोज़, नए रिएक्शन वीडियोज़, व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोज़, ट्रैवल व्लॉग्स सब लेके आता हूँ। अभी के टाइम पे जब थिएटर्स बंद है, मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है थिएटर्स में, तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वेब सीरीज़ आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे कलाकार भी हम लोगों ने पाया है वेब सीरीज़ के द्वारा। उसी में से एक नाम है सुमित व्यास का। तो आज हम सुमित व्यास की बिल्कुल रिसेंटली रिलीज़ वेब सीरीज़ देखने वाले हैं। ये अरे ओरिजिनल के द्वारा बनाई गई थी और इसे MX प्लेयर पे पार्टनरशिप के थ्रू रिलीज़ किया जा रहा है। इस वेब सीरीज़ का नाम है ऑफिशियल भूतियागिरी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ऑफिशियल भूतियागिरी थर्ड एनालॉग है अरे ओरिजिनल की। इनकी जो फर्स्ट वेब सीरीज आई हुई थी इस ट्रायलॉजी में, उसका नाम था ऑफिशियल चुकियागिरी। जी आपने सही सुना, चुकियागिरी, नॉट चुतियागिरी। तो ऑफिशियल चुकियागिरी फर्स्ट थी, सेकेंड आई थी ऑफिशियल सीओगिरी, और अब आई है ऑफिशियल भूतियागिरी। इन तीनों में ही सुमित व्यास ने बहुत ही अच्छा काम किया था। इनफैक्ट अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मैंने वेब सीरीज़ सुमित व्यास के वेब सीरीज़ को देखने के बाद ही शुरू किया था देखना। उनकी सबसे पहली वेब सीरीज़ जो मैंने देखा था उसका नाम था परमानेंट रूममेट, एंड आई रिकमेंड सीरियसली कि अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। ऑफिशियल भूतियागिरी में मुख्य भूमिका में है सुमित व्यास, ईशा चोपड़ा एंड प्रणय मनचंदा। इसके राइटर डायरेक्टर हैं विश्वजॉय मुखर्जी। तो आइए पहले इस वेब सीरीज़ को देखते हैं, फिर बात करते हैं। दिलावर राणा, यू आर अंडर अरेस्ट। जब मैं अंदर गया था तो पूरी दुनिया मुझे छोड़ने आई थी, पुलिस, ऑफिस स्टाफ, मीडिया, मल्लिका, मूंगफली बेचने वाला। और जब 3 महीने बाद बाहर आया हूँ तो साला ओला वाला भी ट्रिप कैंसिल कर रहा है। जेल से क्यों निकाला? राणा, हेरिटेज होटल्स आर नॉट डूइंग वेल दिलावर। आई वांट यू टू रन दिस। सेकेंड पार्ट में ये जो ऑफिशियल सीओ की नीति उसमें लास्ट में दिखाया था कि वो जेल चले गए थे, और इसमें भी ये एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट किया है इस सीरीज। ऊपर वाला भी मजे ले रहा था मेरे, एक जेल से निकाला और दूसरी जेल भेज रहा था, वो जेल जहां पर मेरा बचपन कैद था, मेरा अपना घर। क्या हुआ सर, आपको भी बच्चों का भूत दिखा क्या? चॉकलेट उन्हीं के लिए रखे हैं। एक तो ये हॉरर फिल्में देख देख के ना आप लोगों का दिमाग खराब हो गया, लॉजिक बेच खाया आप लोगों ने। कभी कभी तो आपको खेलने के लिए भी बुलाते हैं वो लोग। वो क्या खेलना चाहते हैं? कोशंपा, छुपन छुपाई। एक मिनट, ही क्या भूत भूत लगा रखा है, कोई भूत भूत नहीं है यहाँ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बात सही है, पर क्या आपने कभी सोचा है उसके पापा कौन है? जुगाड़। जुगाड़ फाइल में क्या है? कुछ नहीं। तुम क्या छुट्टी मनाने आए हो क्या? सबके पास कुछ था है, थोड़ा शुरार समझें। हिंदी में एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेद। वेलकम टू राणा हेरिटेज होटल, वी प्रोवाइड द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉन्टिंग एक्सपीरियंस। क्या बनाया है यार, अब फील लेने आए थे और ये पूरा डीडीएल। मैंने बोला था ये चूहे की आवाज वॉक नहीं करेगी। अच्छा तो मैं रामगोपाल वर्मा की आग देख लेता। आप भी यहाँ बहुत टाइम से है ना, आपको यहाँ भूत परेशान नहीं करते? परेशान तो आपको करते होंगे, हम तो बस उन्हें कहानियां सुनाते हैं दिलावर जी। यहाँ नहीं रह सकता मैं, दिस प्लेस इज हॉन्टेड। प्रेम सिंह तूने किया है ना ये? अबे मैं डरता नहीं हूं, रोज कॉन्जरिंग देखता हूं मैं रात को। वेल, एक हॉन्टेड, एक हॉरर कॉमेडी सीरीज या एपिसोड या कुछ भी, आप हॉरर कॉमेडी की बात करें, इसे डायरेक्ट करना, इसको अपने स्टोरी लाइन में रखना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज आपको कॉमेडी और हॉरर दोनों को बहुत ही अच्छे से साथ में लेके चलना होता है। बट इस वेब सीरीज़ को देख के लग रहा है कि सुमित व्यास
अपने पिछले सीरीज की तरह इसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। एक एक लाइन जो बैकग्राउंड साउंड है या जो इस इफेक्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है। इस वेब सीरीज के टोटल 5 एपिसोड हैं और ये रिलीज़ हुई थी 14 मई 2020 को। सीज़न 3 मीन्स ऑफिशियल भूतिया गिरी, ऑफिशियल सीओ गिरी के पूरे 2 साल या आई थिंक 3 साल बाद रिलीज़ हुई है, जो कि काफ़ी लंबा गैप है। लेकिन जो लोग वेब सीरीज और सुमित व्यास के फ़ैन हैं आई थिंक उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी अभी भी सीरीज़। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।